फिरोजपुर विजिलेंस के डीएसपी मक्खन सिंह और उनके साथियों द्वारा देर रात सीआई स्टाफ फिरोजपुर में तैनात सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश हांडा को 10,000 की रिश्वत राशि सहित गिरफ्तार किया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब से आज सिंह साहबानों की तरफ से स्वर्गीय संत बाबा सुच्चा सिंह जबद्दी टकसाल को गुरमत संगीत के क्षेत्र में डाले गए योगदान के लिए श्रोमणी गुरमत संगीत प्रचारक की उपाधि के साथ सम्मानित किया गया है। एशियन गेम्स 2018 में हैंडबॉल ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 28-27 से शिकस्त दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज कर्नाटका में बाढ़ तथा भूस्खलन की चपेट में आए कोडांगू जिले का दौरा किया। कोडांगू की डिप्टी कमिश्नर श्रीविद्या पीआई भी उनके साथ मौजूद थी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा आज पटियाला में सिविल जज निधि सैनी की माननीय अदालत में पहुंचे। बीते दिन सिमरजीत सिंह बैंस ने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाए थे, जिसके आधार पर ब्रह्म मोहिंद्रा ने अदालत में याचिका दायर की थी। थाना शहरी एक मानसा पुलिस ने 50,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में सीआईए स्टाफ मानसा के इंचार्ज अमनपाल सिंह और 5 आम लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जम्मू एवं कश्मीर में अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों तथा आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकी का शव बरामद किया गया है। खबर है कि 3 आतंकवादी घिरे हुए हैं। भारत के स्वर्ण सिंह दत्तू बोकनल, ओम प्रकाश व सुखमीत सिंह ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। आज प्रातःकाल जलंधर नकोदर रोड पर एक स्कूल की बस पलट गई, जिसके कारण बस में सवार स्कूली छात्र घायल हो गए। ये हादसा जलंधर शहर के बाहरवार स्थित गांव बादशाहपुर के नजदीक घटित हुआ। पिछले लंबे समय से पंजाब की सरहद के नजदीक बसे हिमाचल प्रदेश के कुछ गांव में भुक्की, चिट्टा अफीम और देसी शराब की हो रही सप्लाई के कारण पंजाब की बर्बाद हो रही नौजवानी को बचाने के लिए जहां पंजाब पुलिस द्वारा बड़े स्तर पर की जा रही रोकथाम के बावजूद नशा तस्कर नए नए ढंग इस्तेमाल करके पंजाब में नशा सप्लाई करने का धंधा बिना किसी खौफ के जारी रखे हुए हैं।